नमस्कार दोस्तों, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के एक अपडेट वीडियो जिसमें आपको विस्तृत चर्चा करके हम आपको यह बताएंगे कि कैसी होने वाली है आपकी परीक्षा, कैसी इसकी व्यवस्था की जा रही है, रेगुलर प्राइवेट वार्षिक परीक्षा कब से होगी। आप सभी को विदित हो क्योंकि मैंने कल ही वीडियो भी डाल दिया था कि जितने भी सेमेस्टर वाले कोर्स हैं उसमें से थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल डिसाइड किया जा चुका है, 24 मई से स्टार्ट है। तो वह वाला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने टाइम टेबल का पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है। तो दोस्तों, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीसीए, ऐसे ही और भी सेमेस्टर को जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के भी टाइम टेबल नहीं आया है और साथ ही ये ईयरली वालों का, रेगुलर वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों, इनका क्या रिजल्ट, सॉरी इनका टाइम टेबल कब आएगा, कैसे इनके एग्ज़ाम होंगे, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे इस चर्चा में। तो आज के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप सभी को सबसे पहले ये दिखाएं तो यहाँ पर सबसे मेन आपको ये मिलेगा कि रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 24 से है, जैसा कि कल आप सभी को टाइम टेबल मिल गया, 24 से स्टार्ट है। छात्र घर पर भी तैयार कर सकेंगे उत्तर पुस्तिका, केंद्र से लेने की बाध्यता नहीं होगी। इसकी डिटेल में बात अभी हम नीचे करने वाले हैं। 29 मई तक चलेंगी परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं जो होगी वो 7 जून के बाद। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि 7 जून के बाद आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, 7 जून के आसपास की बात है, 29 मई तक ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर डिटेल में बात करें तो लिखता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई है। 21 अप्रैल को सेमेस्टर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। स्थगित की गई इन सेमेस्टर परीक्षाओं को नई तारीखें कल बैठक के बाद जारी की है। अब इसमें जो जारी की है उसमें बोला है सेमेस्टर वालों का है, लेकिन सेमेस्टर में क्या क्या आता है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का होता है। तो अभी थर्ड और फोर्थ का आया है कल, फर्स्ट का नहीं आया है टाइम टेबल, ध्यान रखिएगा फर्स्ट का नहीं आया है। और एटीकेटी का टाइम टेबल आया हुआ है चौथा का, ठीक है। अभी देखिए आगे बात करते हैं तो तृतीय सेमेस्टर और बीते सत्र में चतुर्थ सेमेस्टर के एटीकेटी छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। पीजी स्तर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक होने के बाद वार्षिक परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। समझ आया, सफलतापूर्वक होने के बाद वार्षिक परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। अभी जो बच्चे इतना हड़बड़ा रहे हैं मेरा कब आएगा, हमारा कब आएगा, ऐसे करके, उन्हीं के लिए ये सब वीडियो मैंने क्लियर करने के लिए बनाया। वार्षिक परीक्षाएं 7 जून के बाद ही चालू होने वाली है, इसीलिए अभी आप समझिए आपके पास बहुत दिन का समय है, तो अभी इस बीच में आने को है, आप एकदम से पहले से नहीं दे देगा। अगर अभी हमारा 24 से एग्ज़ाम है तो आज आप देख सकते हैं 20 दिन पहले की बात कर रहा है, आज 7-8 तारीख है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस है यहाँ पर, देख सकते हैं आप 15-16 दिन का। तो इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं और पैनिक ना हो। शुक्रवार को ऑनलाइन मोड में रविशंकर विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय की बैठक ऑनलाइन मोड में ली। 150 से अधिक प्राचार्य ये सब जो थे, ये सब हुआ था, ये सब छोड़िए, लगभग बीते वर्ष जैसा ही। अब मोड कैसे होगी, तो 24 मई से चालू होगी, 29 मई तक चलेगी। चूँकि छात्रों को घर से प्रश्नों के उत्तर लिखकर देने हैं, आप घर में बैठे रहेंगे, एग्जाम फ्रॉम होम जो लास्ट टाइम चला था वैसा ही होने वाला है। साथ ही इसलिए दो विषयों के बीच में तैयारियों के लिए गैप छात्रों को नहीं दिया गया है। परीक्षाएं निरंतर होंगी ताकि जल्द से जल्द परीक्षा कार्य संपन्न हो, नतीजे तैयार किए जा सके। छात्रों को प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, घर से इसका उत्तर लिखना है छात्रों को और छात्र अपने महाविद्यालयों में जमा कर देंगे। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाएँ छात्रों को महाविद्यालय द्वारा दी जाएंगी। यदि कोई छात्र कॉलेज से उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह घर पर ही उत्तर पुस्तिका तैयार कर सकता है, जिसका विवरण रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यही सब पॉइंट है जो आप लोग गलती कर देते हैं, इसको फिर से मुझे एक वीडियो बना के बताना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान दीजिए। फिर से मैं आपको इसको रिपीट करके इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्तर पुस्तिका चाहे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप बाहर हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, आप अपने से आंसर शीट को क्रिएट कर लीजिए,
ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किए थे। इसके बाद दूसरी बात ये, अगर जो यहीं रायपुर के हैं और जा सकते हैं अपने कॉलेज आसपास या जहां भी जिनका कॉलेज है जा सकते हैं, तो वो वहां से आंसर शीट ले सकते हैं। इसके अलावा रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो उपलब्ध है बोला है ना, वो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जैसे हम मार्कशीट वगैरह के फोटोकॉपी को अटेस्टेड करते हैं ना, वैसे ही पूरे पेजेस में आपको अटेस्टेड करके देना होगा। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़ें। और जो सामने का जो फ्रंट पेज होता है, कवर पेज, फ्रंट बोलो या फिर कवर पेज बोलो, ये कवर पेज आपको अभी अपलोड करके दिया जाएगा, फिर उसको आप प्रिंट निकालेंगे या अपने हाथों से लिखकर बनाकर उसे दे सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई, ये हो गया। अभी ये डिटेल आपको यहाँ पर समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम सेमेस्टर के जो टाइम टेबल है, वो सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है 27 मई के बाद, तो तीसरे सेमेस्टर के बाद ये परीक्षा होगी, थर्ड हो जाएगा ना, उसके बाद फर्स्ट की बात होगी, इसलिए समय सारणी भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। तो आज जो है 8 तारीख है, आपका ये 15 तारीख के पहले आराम से आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अभी एक और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़ है उसको देखें, ये देख सकते हैं आप, आजई का है, छात्र घर से लिखेंगे उत्तर, टाइम टेबल जारी हो गया है। एमए एमकॉम एमएससी की परीक्षा भी ऑनलाइन होने वाली है। शॉर्टकट पे बात करें तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझाते हैं, एग्ज़ाम फ्रॉम होम होने वाला है, घर से आप एग्ज़ाम लिखेंगे, ठीक है, आंसर शीट। अब इसके बाद इसके लिए जो समय दिया जाने वाला है वो 15 दिन बोल रहा था, लेकिन 15 दिन नहीं होगा भाई, 5 दिन का समय आपको मिलेगा। ठीक है, कितने दिन का समय मिलेगा, 5 दिन का समय मिलेगा। आप उसको या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या तो आपके पेरेंट्स जाकर उस परीक्षा केंद्र में छोड़ सकते हैं, या फिर खुद स्टूडेंट जाकर छोड़ सकता है, कोई भी जाकर छोड़ सकता है। लेकिन उसका जो पृष्ठ है आपका आंसर शीट का, अच्छा आंसर शीट की पहली बात कर लें, तो आंसर शीट चाहे तो आप बना सकते हैं, चाहे तो PRSU के द्वारा जो कॉलेज है उसके माध्यम से आप ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कवर पेज होता है, जैसे लास्ट टाइम बनाए थे, तो वो कवर पेज आपको साइट पर अपलोड करके दिखा दिया जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड करके या तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रत्येक आंसर शीट में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, पेन से लिख लीजिए और उसके बाद उसमें पूरा हर एक में चिपका दीजिए। आंसर शीट में क्या करना होगा, आंसर शीट के हर एक पेज में आपको साइन करना होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब पेपर कब से है, 8 बजे से है, तो 8 बजे से है तो आपका 7 से 7:30 बजे तक का अपलोड हो जाएगा साइट पे क्वेश्चन पेपर, नहीं तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा जाएगा, ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, आपके कॉलेज के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, ऐसा भी अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर वो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल नेक्स्ट वीक में आने वाला है, ये भी समझ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें पूरी डिटेल में थी, आप सभी को ये वाला न्यूज़ तो ज़रूर मिल रहा होगा सेमेस्टर परीक्षा का। ठीक है, कि 7 तारीख से चालू है आपकी वार्षिक परीक्षा, ऐसे ऐसे करके, तो 7 तारीख के बाद होगी चालू, 7 तारीख को नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें थोड़े से ध्यान रखिए, क्या होता है वर्ड के कारण ना बहुत सारा पैनिक स्थिति पैदा हो जाती है, साथ ही स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं क्या है कैसा है। अब बात करें सप्लीमेंट्री वालों की, सुपर सप्ली वालों की, तो भैया देखिए यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए अभी कुछ भी नहीं बताया है, जैसे कुछ बताता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछिए और सभी तक ये जानकारी शेयर करें, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और बाकी मैं जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से फिर से बताऊंगा पूरा दिखा के, कि आंसर शीट कैसे बनाया और फॉर्मेट कैसे बनाया, लिफाफा को कैसे बनाया, और एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो लास्ट टाइम का आपको समझ में आ जाएगा कैसे आंसर शीट बनाना है, कैसे ईमेल करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लक्षांश कोचिंग क्लासेस।